अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के टाइटल को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम की वजह से शुरू हुई लव जिहाद कंट्रोवर्सी के बाद अब हिंदू सेना ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को रिटन कंप्लेन भेजकर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के टाइटल को चेंज करने की डिमांड की है। हिंदू सेना का कहना है कि फिल्म का टाइटल न सिर्फ हिंदू गॉडेस लक्ष्मी के नाम का मजाक उड़ाता है बल्कि हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है। अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में हिंदू सेना ने चेतावनी भी दी है, इफ देयर डिमांड इज नॉट मेट दे विल प्रोटेस्ट आउटसाइड सिनेमा हॉल्स वेयर द फिल्म मे बी स्क्रीन्ड। दे हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड अदर्स टू बॉयकॉट द फिल्म इफ द टाइटल रिमेन्स अनचेंज्ड। अक्षय कुमार की ये फिल्म 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली है। फिलहाल जहां अक्षय कुमार फिल्म की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ इस फिल्म के प्रमोशंस में बिजी हैं, वहीं ना तो अक्षय कुमार और ना ही उनकी टीम की तरफ से इन कंट्रोवर्सीज पर अब तक कोई रिएक्शन आया है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में कई बार #boycottlakshmibomb भी इंटरनेट पर ट्रेंड हुआ है और कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। वैसे बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज की वजह से फिल्म के टाइटल में एक बार नहीं बल्कि कई बार बदलाव किए गए हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म का नाम भी बदलकर पद्मावत कर दिया गया था। वहीं सलमान खान के ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा की डेब्यू फिल्म लव रात्रि के टाइटल को लेकर भी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद इसे लव यात्री कर दिया गया था। इसके अलावा रणवीर सिंह की फिल्म रामलीला के टाइटल को लेकर हुई कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद रिलीज से ठीक पहले इसे गोलियों की रासलीला रामलीला में कन्वर्ट किया गया था। इन फिल्म्स के अलावा पास्ट में भी कई फिल्मों के ओरिजिनल टाइटल्स में चेंजेस किए गए हैं, जैसे शाहिद कपूर की फिल्म रैम्बो राजकुमार को R राजकुमार किया गया तो इरफान खान स्टारर फिल्म बिल्लू बार्बर को बिल्लू किया गया। वहीं एक्टर प्रोड्यूसर जॉन इब्राहिम की फिल्म जाफना को मद्रास कैफे और पाकिस्तानी एक्टर अली जफर और यामी गौतम की फिल्म अमन की आशा को टोटल सियापा टाइटल नाम दिया गया।